हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेल्स क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सेल्स क्लासेस पे। सो आज है 17th of July और 17th of July के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, आज हम अपनी वीडियो का 50 लाइक्स का टारगेट रख के चलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा चैनल न्यू है, हमारे वीडियोस पे इतने व्यूज़ नहीं आते, बट फिर भी आज हम अपनी वीडियो पे 50 लाइक्स का टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। सो सबसे पहले तो आप ये पता करें कि स्पोर्ट्स अड्डा क्या है। देखो, स्पोर्ट्स अड्डा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडियन स्पोर्ट्स की इन सब की न्यूज़ आती है। सो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेटली को। ब्रेटली को क्या नियुक्त किया गया है? स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर। सो ये है ब्रेटली, आपने देखा होगा इनको। देखिए, ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट्स अड्डा भारतीय समाचार, क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए सूचना का एक वेबसाइट है। उसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे ब्रेटली, उनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक राजदूत के रूप में ली प्रतियोगिता, क्विज, सवाल जवाब, बॉलिंग मास्टर क्लास और गिव अवे सहित मज़ेदार गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जो विशेष रूप से स्पोर्ट्स अड्डा ऐप वेबसाइट और सामाजिक हैंडल पर उपलब्ध होंगे। सो बेसिकली ब्रेटली साफ इतना याद रखना, ब्रेटली को हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सो आपको एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर में फ़र्क पता होना चाहिए। एम्बेसडर किसी भी देश के बनते हैं, जैसे कि हमारे एम्बेसडर किसी अलग अलग देश में हैं, वो क्या करते हैं? वो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर किसी पर्टिकुलर कंपनी के बनते हैं। बात करें ब्रांड एम्बेसडर बनाए क्यों जाते हैं तो, और किसको बनाया जाता है, तो ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया जाता है जिसको सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो। जैसे हम बात करें कि सलमान खान, ये बॉलीवुड के हैं और इनको सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सारे बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हैं और इनका क्या हो रखा है, ये बेसिकली इनको अगर किसी चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, विराट कोहली हो गया, तो इनको बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर ये बोलेंगे ये चीज़ अच्छी है एडवर्टाइजमेंट में तो वो चीज़ लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर और एम्बेसडर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। सो एंड एज यू नो दैट आवर ऑप्शंस ऑल्सो फ्रॉम करंट अफेयर्स। आप सभी को पता है कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं। सो हमने आंसर डिस्कस करा इसका ब्रेटली, बाकी सारे ऑप्शंस एलिस, फक फक, टोनी आयरिश और अशोक लावासा, ये करंट अफेयर की न्यूज़ से कैसे संबंधित है, देखिए। देखिए, एलिस फक फक हाल ही में इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये टूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। टूनीशिया कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। तो टूनीशिया ने क्या किया है, अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है टूनीशिया के प्रधानमंत्री ने, ठीक है, एलिस फक फक ने, ठीक है। नेक्स्ट, और वैसे बोला जाता है कि जो एक राजनीतिक संकट के बीच थे ये टूनीशिया और उसकी हालत राजनीतिक संकट की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। अगर हम बात करें अशोक लवासा ऑप्शन में क्यों हैं, तो देखिए हाल ही में ADB के उपाध्यक्ष नियुक्त किया है किसको, अशोक लवासा को। सो ADB क्या है? एशियाई विकास बैंक और इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर बात करें हम टोनी आयरिश के बारे में, तो आपको पता होने चाहिए कि टोनी आयरिश पेशेवर क्रिकेटर एसोसिएशन के PCA के क्या थे, मुख्य कार्यकारी पद पे थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो व्यक्तिगत कारणों से टोनी आयरिश ने पेशेवर क्रिकेटर्स एसोसिएशन इंग्लैंड एंड वेल्स के खिलाड़ियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, सो फर्स्ट क्वेश्चन से हमने एलिस फक फक, ब्रेटली, टोनी आयरिश और अशोक लवासा चारों को डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ईरान ने किसके साथ
400 बिलियन डॉलर की साझेदारी की है। तो हाल ही में ईरान ने चाइना के साथ 400 बिलियन डॉलर की साझेदारी की है। किसको लेकर करी है? देखिए, चीन ने ईरान में एक साझेदारी सौदा किया है। चीन और ईरान 400 बिलियन डॉलर की रणनीति साझेदारी के सौदे पर पहुंच चुके हैं और इस परियोजना का उद्देश्य चाबहार को जाहेदान दक्षिण पूर्व सिस्तान से बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी से जोड़ना है। ठीक है, सो इसलिए इन्होंने क्या करा है, 400 बिलियन डॉलर का एक रणनीतिक साझेदारी का सौदा किया है। बेसिकली कह रहे हैं कि इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 628 किलोमीटर है, जो चाइना और ईरान मिलकर बनाने वाला है। ठीक है, और जिसकी किलोमीटर की दूरी 2021 तक 150 किलोमीटर बना ली जाएगी। ठीक है, और 1400 पूरी 2022 मार्च तक ईरानी कैलेंडर के वर्ष के अंत तक पूरा करने की योजना है। सो डिस्कस करते हैं बाकी सारे ऑप्शंस को। सो देखिए, चाइना से एक और न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में चाइना ने क्या करा है, एक संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? जो पहले देखिए, चीनी लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट में एक उच्च शक्ति वाले ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अब देखिए, सब लॉन्च क्यों किया गया है, यह एयरलाइनर यात्रियों, क्रूज जहाज़ों, मछली पकड़ने के जहाज़ों और अन्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, सो बात करें अगर यूएई की, तो यूएई ने हाल ही में इंडिया के साथ, भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट पर साइन करने का निर्णय लिया है। तो ओपन स्काई एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए, ओपन स्काई एग्रीमेंट का मतलब होता है, जैसे ओपन स्काई ट्रीटी होता है वैसे ही, कि आपस में यूएई और भारत, इन दोनों के बीच कितनी भी फ्लाइट आ जा सकती है बिना किसी लिमिट्स के। ठीक है, सो दिन में वो कितनी भी फ्लाइट इधर से उधर करें ओपन स्काई एग्रीमेंट के बाद। ठीक है, अगर बात करें भारत की, तो देखिए 14 जुलाई को भारत अमेरिका सीईओ फोरम आयोजित हुआ। क्या है सीईओ फोरम आयोजित? देखिए, भारत अमेरिका के सीईओ फोरम का आयोजन 14 जुलाई 2020 को एक टेलीफोनिक सम्मेलन के माध्यम से किया गया था। यह पांचवी बार है जब भारत और अमेरिका द्वारा दिसंबर 2014 में इसके पुनर्गठन के बाद फोरम को बुलाया गया है। अगर बात करें भारत की, तो देखो भारत से इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, भारतीय रेलवे का पहला केबल वाला पुल, रेल पुल बनाया जा रहा है। देखो उसको डिटेल में देखते हैं। देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खाद पुल जल्द ही जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? कटरा और रियासी को। ठीक है, भारतीय रेलवे की परियोजना का निर्माण बेहतर प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के साथ किया जा रहा है। बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर और बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है इस पुल को बनाने में। इसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से कॉरपोरेशन, रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है? तो ये कोंकण द्वारा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, ठीक है, परियोजना का एक हिस्सा है। तो ये परियोजना कौन सी थी? उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। सो ये इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस करा भारत से न्यूज़। बात करें और क्या न्यूज़ है भारत से, तो देखिए भारत ने हाल ही में पहली संपर्क रहित पार्किंग स्टेब्लिश करी है। क्या होता है संपर्क रहित? किसी के कॉन्टैक्ट में ना आना। कॉन्टैक्ट में ना आना पार्किंग में आप समझ नहीं पा रहे। देखो, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पूरी तरह संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सेवा प्रदान कर रहा है। जिसका मतलब आप सिर्फ गाड़ी पार्क करके चले जाइए, आपको ना पेमेंट देने की ज़रूरत है, पेमेंट वो अपने आप काट लेंगे। ठीक है, इस विकास के साथ हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब यात्रियों और आगंतुकों के लिए देश का पहला और एकमात्र पूरी तरह संपर्क कम हवाई अड्डा कार पार्किंग अनुभव प्रदान करता है। इस क्वेश्चन में हमने चीन से दो न्यूज़ डिस्कस करी, यूएसए से डिस्कस कर ली, और इंडिया से भी दो तीन न्यूज़ डिस्कस करी, और यूए से भी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाल ही में वेरिजोन ने किसके साथ भागीदारी करी? वेरिजोन क्या है? वेरिजोन ने भागीदारी किसके साथ करी है?
भारतीय एयरटेल के साथ। लेकिन वेरिजन है क्या? देखिए देखिए, भारतीय एयरटेल और वेरिजन ने भारत में व्यवसायों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान लाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है, ठीक है। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में भारतीय एयरटेल भारत का उद्यम ग्राहकों का ब्रांड नेम एयरटेल ब्लू जींस के तहत सुरक्षित उद्यम ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान प्रदान करेगी। वेरिजन दुनिया की सबसे बड़ी संचार प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। सो बेसिकली ये मेन मकसद इसका है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समाधान लाने के लिए ये एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, सो हमने डिस्कस करा भारतीय एयरटेल को, ठीक है, और वेरिजन को। अब बात करते हैं DCGI, नाबार्ड, IPGA और FICCI, फिक्की। क्या है ये सब चीज़ें? देखिए, और करंट अफेयर्स में कैसे न्यूज़ में है? देखिए, यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की FICCI के साथ अपनी साझेदारी की है। क्या साझेदारी की है यूनिसेफ इंडिया ने? यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट फाउंडेशन SEDF के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, ठीक है। अब वे भारत में COVID-19 प्रतिक्रिया और इसके बाद सबसे कमज़ोर आबादी और बच्चों का समर्थन करने के लिए संयुक्त रूप से यूनिसेफ के रीइमेजिन अभियान का विकास करेंगे। तो हाल ही में रीइमेजिन अभियान का विकास के लिए इन्होंने क्या करी है? यूनिसेफ ने साझेदारी करी है किसके साथ? फिक्की के साथ और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ। बाकी बात करें हम G7CR टेक्नोलॉजी क्या है, ऑप्शन में मैंने क्यों ले रखा है, करंट अफेयर न्यूज़ में कैसे है, तो देखिए, G7CR टेक्नोलॉजी ने एक पुरस्कार जीता है हाल ही में। G7CR टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर कौन सा अवार्ड जीता है? माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इंडिया पुरस्कार जीता है। अगर बात करें यह अवार्ड दिया क्यों जाता है, तो इसे माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी के आधार पर नवाचार में उत्कृष्ट प्रदर्शन और ग्राहक समाधान के कार्यान्वयन, मतलब फैसिलिटीज़ को, कस्टमर्स को अच्छे से उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना और अच्छे से अच्छी फैसिलिटी उनको अवेलेबल कराना, उसके लिए इनको अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखना, G7CR टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कौन सा अवार्ड जीता है? माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड फॉर इंडिया पुरस्कार जीता है। अगर बात करें नाबार्ड, मैंने ऑप्शन में क्यों ले रखा है, नाबार्ड न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए, बैंकों को 5,000 करोड़ रुपये का पुनर्वित देगा नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। उसने क्या किया है? बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त योजना की घोषणा की है। यह अपनी 2150 वाटरशेड विकास परियोजना के लाभार्थियों को वित्त प्रदान करेगा, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है DCGI। DCGI ऑप्शन में क्यों लिया है? देखिए, DCGI ने एक टीके को मंजूरी दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI की फुल फॉर्म देख लो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पहले पूर्ण रूप से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड्स, देखो, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुकेट टीके को मंजूरी दे दी है। इस टीके का उपयोग शिशुओं में स्ट्रेपेटोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले आक्रामक रोग और निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिए किया जाता है। तो इसका भी हाल ही में क्या कराया है, इनको परमिशन दे दी है। निमोनिया के क्षेत्र में यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया टीका है। तो निमोनिया के लिए एक टीका अप्लाई किया गया है अभी, और उसको परमिशन भी दे दी गई है। किसने दी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, सो पिछले क्वेश्चन के हमने मोस्टली सारे ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4th। एंड क्वेश्चन नंबर 4th इज, हाल ही में भारत के किस राज्य में कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है? तो भारत के हाल ही में किस राज्य ने कोर्सेरा के साथ साझेदारी करी है? देखिए,
उड़ीसा राज्य ने हाल ही में कोर्सेरा के साथ साझेदारी करी है। बात करें कोर्सेरा है क्या, साझेदारी क्यों की गई है, तो देखिए उड़ीसा ने कोर्सेरा के साथ भागीदारी की है और उड़ीसा कौशल विकास प्राधिकरण, उड़ीसा कौशल विकास प्राधिकरण COVID-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोर्सेरा के साथ भागीदारी की है। तो आपको पता चल गया होगा कि कोर्सेरा के साथ भागीदारी करने का क्या रीज़न था। ठीक है, ये साझेदारी कार्यबल को वापस लाने और कोर्सेरा की पहल के वैश्विक प्रयास का हिस्सा है, जहाँ कोई भी राज्य देश बेरोजगार श्रमिकों को ऑनलाइन सीखने के लिए मुफ्त प्रदान करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, हमने डिस्कस किया हाल ही में उड़ीसा को, बात करें आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ये सब करंट अफेयर्स न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए त्रिपुरा में हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक पूजा है जिसका नाम है कैर पूजा। तो सदियों पुरानी कैर पूजा त्रिपुरा में शुरू हुई। क्या है ये पूजा? 14 जुलाई 2020 से त्रिपुरा राजधानी में, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला में सदियों पुरानी कैर पूजा शुरू हुई है। कैर पूजा त्रिपुरा के सबसे विशेष त्यौहार है। यह उज्जैन पैलेस के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। कैर को त्रिपुरा के शाही परिवार वास्तु देवता माना जाता है। आदिवासी कोक बोरोक भाषा को लेकर कैर का शाब्दिक अर्थ है निर्दिष्ट क्षेत्र है। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी त्रिपुरा से। ये इम्पोर्टेंट है, फेस्टिवल का नाम याद रखना और कौन से भगवान के लिए मनाया जाता है ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, दैट वाई आंध्र प्रदेश इज़ इन न्यूज़ एंड वॉट इज़ द करंट अफेयर न्यूज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो लुक, मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, YS जगन मोहन रेड्डी ने मृतक COVID-19 रोगियों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की घोषणा की है। सो द पर्सन हु हैज डाइड इन आंध्र प्रदेश ड्यू टू COVID-19, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम 15,000 रुपीज़, ओके, फॉर देयर फ्यूनरल। सो उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वह क्वारंटाइन केंद्रों में गुणात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाएं। ठीक है, जहां शिकायतों के लिए कॉल सेंटर नंबर प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, एज वी आर लाइक डिस्कसिंग राइट नाउ इंडियन स्टेट्स, सो इंडियन स्टेट के ऑप्शनल में हमें दिल्ली को रख नहीं पाया, तो दिल्ली को डिस्कस कर लेते हैं, दिल्ली से क्या न्यूज़ है। तो श्रीपाद नायक ने सम्मेलन का एक उद्घाटन किया है, एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने? श्रीपाद नायक ने। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक कौन है? ये हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 15 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के सम्मेलन में 5वें संस्करण में अपना उद्घाटन भाषण दिया। सम्मेलन का विषय भारत को आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ सशक्त बनाना था। गॉट इट? नेक्स्ट, एक और न्यूज़ है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश ने अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी। क्या है अध्ययन समिति? आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में नए जिलों के निर्माण के लिए एक अध्ययन समिति की गठन को स्वीकृति दी है। पैनल अपने अध्ययन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सो हाल ही में एक नई समिति का गठन हुआ है और समिति किस लिए हुई है? राज्य में नए जिलों के निर्माण के लिए। ठीक है, हमारे ऑप्शन में महाराष्ट्र भी है, तो देखिए महाराष्ट्र से क्या न्यूज़ है। समिति बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। कौन सी समिति बनाएगी महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र सरकार फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों को ठीक करने के लिए एक समिति बनाएगी, ताकि कोई अतिरंजित दर न वसूल कर लिए। ठीक है, कोरोना वायरस के प्रसार के कारण मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग बढ़ गया है। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकिंस कुकर के चेयरमैन का निधन हो गया। वह थे तो ब्रह्म वासुदेव उनका नाम था और उनका हाल ही में निधन हो गया है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की, तो देखिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। गूगल जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करेगा। गूगल जियो प्लेटफॉर्म में
33,733 करोड़ रुपए में 7.7% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन क्या है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर। उन्होंने क्या करा है? हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने क्या करा है? 15 अप्रैल 2020 को खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत डिजिटल सम्मेलन, व्यापार मेला और B2B बैठक आयोजित की जा रही है। सशस्त्र सेना कार्मिकों को अमान्य पेंशन। सरकार ने सशस्त्र बल कार्मिकों को अहरकारी सेवा के लिए 10 वर्ष से कम समय के लिए अमान्य पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह पेंशन सशस्त्र बल कार्मिकों को दी जाती है जिन्हें सेना द्वारा निदर एट्रिब्यूटेबल टू नोर एग्रोवेटेड नाना के कारण सेवा से बाहर कर दिया जाता है। हाल ही में सबसे सस्ती COVID-19 परीक्षण किट लॉन्च की गई है। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय गोदरे ने सबसे सस्ती COVID-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। इसका निर्माण IIT दिल्ली ने किया है। नीला सत्यनारायण का निधन। हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी और महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का जुलाई 2020 को निधन हो गया। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको करंट अफेयर्स समझ में आ रहे हैं तो आज हमें अपना 50 लाइक का टारगेट पूरा करना है किसी भी हाल में, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।